नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। तो देखिए, शारदीय नवरात्र का आज पांचवा दिन है और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मां स्कंद माता की भक्त जो है वो पूजा आराधना कर रहे हैं। आज के दिन मां स्कंद माता की पूजा आराधना होती है। नव दुर्गा के नौ स्वरूपों में ये पांचवी देवी है स्कंद माता, जिनकी पूजा आराधना की जा रही है। तो नवरात्र के पांचवें दिन ये अधिष्ठात्री देवी मां स्कंद माता है, क्योंकि ये स्कंद या कार्तिकेय की माता है। इनकी मूर्ति में भगवान स्कंद, जिन्हें कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है, इनकी गोद में विराजमान है। शारदीय नवरात्र का आज पांचवा दिन है और पांचवें दिन मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। माता स्कंद माता की पूजा की जा रही है। स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए लोग उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं। देखिए, नौ देवियों की पूजा, क्योंकि नौ देवियों का स्वरूप अलग अलग है, इनकी पूजा विधि अलग है, इनके तरीके अलग हैं, इनको प्रसन्न करने के तरीके अलग हैं। और आज पांचवा दिन है, पांचवें स्वरूप की पूजा आराधना जो है वो देश भर में हो रही है। शारदीय नवरात्र के पांचवें दिन की जो तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। सुबह तड़के से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। शारदीय नवरात्रों की धूम जो है वो पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। स्वरूप क्या है वो आप देखिए, और हमने आपको बताया भी कि जो उनके पुत्र हैं, जो स्कंद हैं, जो जिन्हें कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है, वो उनकी गोद में विराजमान है और इसीलिए उन्हें स्कंद माता भी कहा गया है। लिहाजा ये संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत अच्छी, इनकी अगर पूजा आराधना की जाए तो संतान प्राप्ति भी होती है, ये भी मान्यता है। और भी कई सारी मान्यताएं हैं, लेकिन आप देखिए कि जो दुल्हन की तरह सजकर जो मंदिर है वो इन नौ दिनों में आपको नजर आएंगे। माता की पूजा आराधना की जा रही है, माँ के स्वरूप के स्वागत किए जा रहे हैं। बाकायदा जो भक्त है वो अपनी श्रद्धा अनुसार व्रत भी रख रहे हैं। कोई पहला और आखिरी नवरात्र का व्रत रखता है, तो कोई पूरे नौ दिन फास्टिंग करता है, पूरे नौ दिन के व्रत रखता है ताकि भगवान को प्रसन्न किया जाए। और देखिए, व्रत रखने के पीछे यूं तो वैज्ञानिक कारण भी है, लेकिन भावनात्मक तौर पर भी इसे देखा जा सकता है, इसे धार्मिक तौर पर भी देखा जाता है। और सबसे बड़ा महत्व व्रत रखने का धार्मिक तौर पर भी हम भारत में देखते हैं। बहरहाल, मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है मंदिर समितियों के लिए, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, एक बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि जब इस तरह का पर्व आता है तो लोगों की संख्या भी मंदिरों में बढ़ जाती है। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी मंदिर समिति और मंदिर प्रबंधन की हो जाती है कि वहाँ पर आने वाले शख्स को, वहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। और जब भारी संख्या होती है तो भगदड़ जैसी स्थिति ना बने, इसीलिए बाकायदा अलग से प्रवेश और निकासी द्वार बनाए जाते हैं, कतारों में लगने के लिए जगहें बनाई जाती हैं, लाइनों को सुनिश्चित किया जाता है। जगह जगह पर हम देखते हैं कि सेक्शंस बांट दिए जाते हैं मंदिरों में, और ख़ासतौर पर जो बड़े मंदिर होते हैं, बड़ी सिटीज़ में, बड़े शहरों में बड़े मंदिर होते हैं जिनकी मान्यताएँ और पौराणिक ऐतिहासिक उनका रहा है, इसीलिए वहाँ पर जो मान्यताएं हैं, वहाँ पर जो श्रद्धा है लोगों की, वो ज़्यादा बन जाती है। और उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर दूर दराज से भी लोग आते हैं, और इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि मंदिर समितियों की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो भी बढ़ जाती हैं। पांचवें स्वरूप की आज पूजा आराधना की जा रही है। स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए अलग विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, अलग उन्हें भोग लगाया जाता है, अलग उनकी कथा है, उनका स्वरूप अलग है और उनकी मान्यता अलग है, उनके मंदिर भी जगह जगह पर बने हुए हैं। और इन्हीं सबका ज्ञान लेते हुए जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं, श्रद्धा भाव भक्ति भाव के साथ, क्योंकि नौ दिनों को बड़ा ही पवित्र माना जाता है। सनातन धर्म में नवरात्र हो या फिर कोई और त्यौहार हो, उन्हें बड़ा ही पवित्र माना जाता है।
और बाकी किसी और त्योहार की तरह ही 9 दिन नवरात्रों की धूम देखने को मिलती है। बड़े त्योहारों की तरह नवरात्रों के 9 दिनों को मनाया जाता है। कहीं पर पंडाल सजाए जाते हैं, तो कहीं पर कार्यक्रम किए जाते हैं, कहीं पर झांकियां निकाली जाती हैं, कहीं पर प्रस्तुतियां दी जाती हैं, तो कहीं पर मंदिरों में भक्तों की जो भारी भीड़ है वो उमड़ जाती है। तो देखिए, ये भक्तों के लिए भी एक उत्साहवर्धन माहौल बन जाता है। और देश में और ख़ास तौर पर भारत की जब हम बात करते हैं, तो पूरे भारतवर्ष में, देश भर में इसकी धूम जो है वो अलग ही स्तर पर देखने को मिलती है। आज माता के 5वें स्वरूप यानी स्कंद माता देवी की पूजा आराधना की जा रही है सुबह तड़के।